अंशु के पापा ने मेरे पति को मरे हुए 3 दिन हुए होंगे, 3 4 दिन, और वो अंशु से बोलते हैं कि राजवीर के जो भी मतलब ग्रो अप पे हमारे म्यूचुअल फंड सारी चीज़ें और मेरी जो भी डिटेल हैं चैनल्स के जो अकाउंट सारी चीज़ें अंशु तो मुझे ला के दे, मैं देखूंगा, मैं करूँगा। और तेरी उसका सपना का क्या है, वो तो अभी क्या उम्र है उसकी, वो तो भाग भूग जाएगी, शादी कर लेगी दूसरी, चले जाएगी, ये चीज़ें। फ्रेंड्स, काफ़ी कंट्रोवर्सी के बाद अंशु का फाइनली एक वीडियो आया जिसमें अंशु बहुत ज़्यादा उदास दिखी, क्योंकि अंशु को बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था कि अंशु ने छुपके से धोखे से सपना के सारे चैनल ले लिए। और ये जो बात थी जिस पे सपना ने सपना को बताई गई थी कि अंशु के पापा ने सपना के कैरेक्टर के बारे में उंगलियां उठाई है और गलत सलत बात कही है, ये बात अंशु ने सपना से क्यों कही थी, इस बात पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि अंशु को ये बात सपना को बोलने की क्या ज़रूरत थी। क्या अंशु ने ये जानबूझ के बोला था या फिर अंशु ने भोलेपन में बोला था, क्योंकि अंशु का मन साफ था। अंशु ने बोला है कि द रॉट चैनल मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, तो द रॉट चैनल गया कहाँ, ना सपना उसमें वीडियो डाल रही है, ना वो वीडियो सब डिलीट हो चुके हैं, तो वो रॉट चैनल है किसके पास में? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंशु के पापा के पास वो रॉट चैनल है, क्योंकि सपना ने अंशु को देख के सपना ने तो अपना काम ख़त्म कर दिया। लोग बोल रहे हैं कि सपना सिंपैथी ले रही है, सपना ने जो कार ख़रीदा, पहले सपना ने बोला था कि मेरे पास मशीन ख़रीदने का भी पैसा नहीं है, अब सपना ने कार ख़रीद लिया है। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ रहा है इस पूरे परिवार को, क्योंकि अंशु ने एक वीडियो लगा के फ़ौरन डिलीट कर दिया था। फिर से अंशु का एक वीडियो आया जिसमें अंशु ने साफ साफ ये बोला कि मुझे तो फुटबॉल की तरह फेंका जा रहा है, कोई इधर फेंक रहा है, कोई उधर फेंक रहा है, कोई कह रहा है कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा हूँ, इनको बोलना मम्मी पापा, कोई कह रहा है कि तुम्हारे असली मम्मी पापा तो वो हैं, ये तुम्हारे बुआ फूफा है, तो मैं आखिर किसका साथ दूँ, मैं इनका भी दिल नहीं दुखा सकती, मैं उनका भी दिल नहीं दुखा सकती, मैं भाभी का भी दिल नहीं दुखा सकती, इसलिए मेरा चुप रहना ही बेहतर है। और मैं चुप हूँ तो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं मतलबी हूँ और मैं सेल्फिश हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ, मैं क्या उठूँ और लड़ाई करूँ सबके साथ में, भाभी से, पापा मम्मी से, बुआ फूफा से, सबसे लड़ाई करूँ मैं?